अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूस। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ जुमले उर्दू में लिखे हैं, जुमले नहीं कुछ अल्फाज लिखे हैं, जिसमें रहा था, रही थी या रहे थे। अगर कोई ऐसा जुमला उर्दू का जो कि एंड में रहा था, रही थी या रहे थे पर ख़त्म हो रहा हो, तो आपको ये समझने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि ये पास्ट कंटिन्यूस का ही जुमला है। ठीक है, तो आप इसको आराम से इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इसका होगा वॉज या वर्ब। इसके बाद हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से हमारे पास फोर्थ फॉर्म आ जाती है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद एक्स्ट्रा। चलिए अब चलते हैं किसी एक जुमले को लेकर उसको चेंज करने के लिए। वो कल रो रही थी। अब इसमें देखें हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी जुमले को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके अलग अलग टुकड़े करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है ये वो, और रहा था रही थी से हमें पता चल रहा है कि वो लड़की है, तो हम इसके लिए क्या लगा देंगे, शी। अच्छा, अब काम उसका क्या था, रो रही थी, तो क्या आ जाएगा, क्राइंग। और बीच में हमारे पास आ गया ये हेल्पिंग वर्ड, ये हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, ये आ गया येस्टरडे। तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ गई कि हमने कितनी आसानी से ये जुमला बना लिया, शी वॉज क्राइंग येस्टरडे। कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई साइंस नहीं है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा हाथी घोड़े चलाने नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है मेरे ड्यूरिंग लेक्चर में जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ उसमें, या इसके अलावा कोई और चीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। अच्छा जी, अब ये आप नीचे वाला एक और जुमला देख रहे हैं, क्या साइमा कल पढ़ रही थी। यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस ही है, लेकिन शुरू का जो लफ्ज़ है ये हमें यहाँ थोड़ा परेशान कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ही नहीं देखा, तो इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए और इंटरोगेटिव किस तरीके से बनाते हैं ये समझने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।